एक्ट के बारे में जानकारी नहीं, उसमें दो चीज़ें हैं, बच्चों को तो जागरूक करना ही है कि गुड टच बैड टच और कई चीज़ें हैं, एंड उसमें एक रिवर्स प्रिजम्पशन है कि अगर सपोज आपका किसी ने नाम ले लिया, उसमें इन कैटेगरीज हैं, अगर हम उसमें जो डेफिनेशन ऑफ दी असॉल्ट है तो उसमें एक सेक्सुअल हरासमेंट वो बिना टच के है, मैं सिर्फ सरसरी तौर पे आपसे जिक्र कर रहा हूँ, सेक्सुअल हरासमेंट किसी को छेड़ना पीछा करना गाना सुनाना जैसे लड़के कॉलेज स्कूलों में करते हैं, वो सेक्सुअल हरासमेंट है, सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ दी क्राइम। नेक्स्ट इज सेक्सुअल असॉल्ट, जहाँ टच है, टच मे बी एनी पार्ट ऑफ दी बॉडी पर्सनली और आस्किंग दी विक्टिम टू टच योर पार्ट्स बोथ वेज, एंड थर्ड पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव मीन्स यू आर इंसर्टिंग समथिंग एनी वेयर, अदर आस्किंग द विक्टिम टू डू दिस फॉर यू और यू आर डूइंग इट विद द विक्टिम। तो तीन कैटेगरीज में पॉक्सो एक्ट में जो क्राइम है डिफाइन किया गया है, तो बच्चों को हम इन सब चीज़ों की जानकारी देते हैं और ऐसी जगह जहाँ पे लगता है कि इस तरह के इशूज ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ हम जनरल कैंप में भी लोगों को बताते हैं, डेटरेंट रहे कि लोग जो फेंस जंपर हैं जिनके कहीं ना कहीं इस तरह का लगता है कि अटैम्प्ट कर सकते हो, तो हम उनको ताकि उनको डर रहे कि अगर ये इस तरह का अटैम्प्ट करेंगे तो आपके साथ क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको जानकारी दे रहा था कि सिर्फ जो माइल्डेस्ट फॉर्म है उसको छोड़ के बाकी दोनों ऑफेंसेस में एक रिवर्स प्रिजम्पशन है, अदरवाइज अगर हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो ओनस हमेशा प्रोसिक्यूशन पे रहता है कि उसने अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना है, डिफेंस ने तो बस सिंपल उसमें कुछ ना कुछ कमियां बतानी है बेनिफिट ऑफ डाउट लेने के लिए, बट यहाँ ऐसा है कि